सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि रसीला ने आठ आने की चोरी की थी और इस चोरी के कारण उसे जगत सिंह पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को रिश्वत देते हुए वे उनसे कहते हैं कि यह व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाना चाहिए। रसीला बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगता रहा, परंतु बाबू जगत सिंह ने उसे माफ़ नहीं किया और दूसरे दिन उसकी पेशी कोर्ट में की जाती है। कोर्ट के जज थे शेख सलमुद्दीन, जो कि बाबू जगत सिंह के परम मित्र थे, इसीलिए जगत सिंह के पक्ष में न्याय होना जरूरी था। उन्हें पता था कि यह चोरी बहुत ही छोटी है और इसके लिए सजा नहीं भी हो सकती है, परंतु शेख साहब जगत सिंह के मित्र थे, मित्रता तो उन्हें निभानी ही थी, इसीलिए रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। शेख साहब न्यायप्रिय व्यक्ति तो थे, परंतु सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए वो न्यायप्रिय नहीं थे। शायद उनकी अंतरात्मा उन्हें कोस रही थी, इसलिए वह रुमाल से अपना मुंह पोछने लगते हैं। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर उन्हें रिश्वत के रूप में दिए थे। यह फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आता है। सोचने लगता है, यह दुनिया न्याय नगरी है या अंधेर नगरी है? हमारे मालिक हज़ारों की रिश्वत लेते हैं, चूँकि उनका अपराध पकड़ा नहीं जाता, इसीलिए वो बड़ी बड़ी कोठियों में आराम से बैठकर धन बटोरते रहते हैं। और मेरे मित्र की चोरी पकड़ी गई और अपराध सिद्ध हो गया, इसीलिए उसे सजा हो गई। यह दुनिया बहुत कठोर है। रमज़ान इसी अधेड़ बुन में घर पहुँचता है। एक दासी जब उससे पूछती है रसीला का क्या हुआ, तो वह कहता है 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ वह इसी लायक था, रमज़ान के मुंह से निकला, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से जीता है तो शायद उसका यही हाल होता है। हम बेकार ही इतने सालों से ईमानदारी का राग अलाप रहे थे। हमसे अच्छे तो हमारे मालिक हैं, रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और आराम की चैन की नींद सोते हैं। यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, उसके लिए क्या कोई 6 महीने की जेल करवाता है? रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, रसीला अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था कि जब उसने इतने दिनों ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा तो अचानक वह बेईमान क्यों हो गया। शायद यह उसकी नियति थी, इसीलिए वह आज जेल में है। धन्यवाद। कहानी बात अठन्नी की से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बात अठन्नी की कहानी का उद्देश्य लिखें। उत्तर इस प्रकार है, सुदर्शन जी द्वारा लिखित कहानी बात अठन्नी की का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी को बताना है। कहानी में रसीला वह व्यक्ति है जिसके ऊपर उसके मालिक द्वारा शोषण किया जाता है। बाबू जगत सिंह स्वयं रिश्वत लेते थे, पर यह कार्य उनके लिए अमानवीय नहीं होता है। परंतु जब रसीला 8 आने की हेराफेरी करता है तो नौकर होने के कारण उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। उस समय बाबू जगत सिंह एक बार भी नहीं सोचते हैं कि रसीला के जेल चले जाने पर उसके परिवार की क्या दशा होगी। अतः लेखक यह बताने में पूर्णतः सफल है
कि न्याय और प्रशासन सिर्फ धनी वर्गों के लिए ही है और निम्न वर्ग इसमें सदा दुखी ही रहता है। धन्यवाद।